दोस्तों नमस्कार, मैं विजय लखेड़ा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गार्डनिंग विद विजय लखेड़ा में। दोस्तों आज मैं दिखाने जा रहा हूं आपको अपने बॉन्साई जो कि पिछले 15-20 सालों से मैं तैयार कर रहा हूं। जब ये छोटे से तब से इनको तैयार कर रहा हूं और मेरे पास लगभग 60-70 की संख्या में ये बॉन्साई हैं। कुछ यहाँ पर जो मेरे पास अवेलेबल हैं अभी मैं आपको उनको दिखाता हूँ, आइए। तो दोस्तों ये मेरे पास बॉन्साई का कलेक्शन है। इसमें काफ़ी किस्म के बॉन्साई हैं, लेकिन जिन पौधों को मैं बॉन्साई के रूप में पसंद करता हूं, जिनका बॉन्साई बहुत अच्छा बनाया जा सकता है, ये देखिए जूनिपरस का पौधा, बहुत सुंदर इसका बॉन्साई बनता है। ये देखिए ये लगभग 17-18 साल पुराना बॉन्साई है। और ये फाइकस बेंजामिना का पौधा, ये दरअसल तीन पौधे गूंथ करके रूट ओवर रॉक बॉन्साई बनाया गया है। ये आप बीच में इसमें पत्थर देख रहे होंगे, पत्थरों ने जड़ों ने पत्थर को घेरा हुआ है। ये तीन पौधे बना रखे हैं गूंथ करके, ये मैम बॉन्साई, और ये देखिए ये भी पत्थर लगा हुआ है इसमें। ये बहुत पुराने बॉन्साई हैं दोस्तों, लगभग 12-15 साल ही, और ये पीपल का लगभग 20 साल से भी ज़्यादा पुराना बॉन्साई है। ये देखिए बिल्कुल छोटा सा, आप हाथ में इसको उठा सकते हो, और लगभग 21-22 साल पुराना ये बॉन्साई है। और ये देखिए आगे और भी बॉन्साई मैं आपको दिखाता हूँ। इसको बहुत सुंदर शेप दिया है, मेरे प्रिय बॉन्साई में से है। लगभग इसकी भी 17-18 साल उम्र है, लेकिन इसको बहुत सुंदर शेप दिया गया है। ये जेट का बॉन्साई, जेट प्लांट का, लगभग 11-12 साल पुराना। और ये फाइकस माइक्रोकार्पा का बॉन्साई, फाइकस माइक्रोकार्पा मेरा फेवरेट है बॉन्साई बनाने के लिए। ये जूनिपरस की प्रजाति, बहुत अच्छी बनती है, इसका बॉन्साई बहुत अच्छा बनता है, बहुत खूबसूरत बनता है। ये बोगनविलिया का, दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में आपको इसका इसको दिखाया था किस तरीके से ये फूलों से भर गया है पूरा का पूरा, बहुत खूबसूरत बॉन्साई है, लंबे टाइम तक फूल रहते हैं। ये तीन पौधों को गूंथ करके बनाया हुआ बॉन्साई है, ये भी लगभग 14-15 साल पुराना बॉन्साई है। तीन पौधों को, फाइकस पांडा के पौधों को इसमें गूंथा गया है। और ये देखिए ये भी एक बहुत पुराना बॉन्साई है, लगभग 17-18 साल पुराना बॉन्साई। इसकी आप रूट्स देख सकते हैं, ये देखिए ऊपर से नीचे तक कितने रूट्स इसमें आए हुए हैं, टॉप से रूट आए हुए हैं। और इसको भी बड़ा सुंदर शेप दिया है, इसकी टहनियों को नीचे झुका करके बहुत सुंदर इस बॉन्साई को बनाया गया है। ये जेट के बॉन्साई, और ये फिर फाइकस के बॉन्साई, और ये जेट का बॉन्साई, ये बहुत खूबसूरत पौधे हैं। ये देखिए ये छोटा सा पौधा, आप हथेली में इसको ले सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत बॉन्साई है, बहुत पुराना बॉन्साई है ये भी। तो दोस्तों आप भी बॉन्साई का यदि शौक़ रखते हैं तो आप ज़रूर पौधे पालना शुरू करें और उनको बॉन्साई बनाएँ। कैसा लगा वीडियो दोस्तों, लाइक करें वीडियो को, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी दें। थैंक्स।